टेलीविजन का सबसे बड़ा अवार्ड टेली चक्कर का इंडियन टेली अवार्ड में पहुंचे फहमान खान, रूपाली गांगुली, आयशा सिंह, टेलीविजन के सारे एक्टर्स को देख सुंबुल की हो रही है जमकर चर्चा। सुंबुल को लेकर सुंबुल के फैंस सिर्फ और सिर्फ सुंबुल को देखना चाहते हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं। हर तरफ सुंबुल की ही चर्चा हो रही है कि आखिर इस इवेंट में सुंबुल क्यों नहीं नज़र आई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। सुंबुल तो खान इन दिनों एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में धमाल मचा रही हैं और सुंबुल को देख सुंबुल के फैंस काफ़ी खुश हैं। सुंबुल लोगों का जम कर एंटरटेन कर रही हैं, यही वो बड़ी वजह है कि हैशटैग एंटरटेनर ऑफ द ईयर सुंबुल हैशटैग ट्रेंड हो रहा है और लोग फहमान खान को इंडियन टेली अवार्ड में देखने के बाद बस एक ही सवाल उठा रहे हैं, इस अवार्ड फंक्शन में सुंबुल नज़र क्यों नहीं आई। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, सुंबुल तौकीर खान एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल में नज़र आई थी, अर्चना गौतम इस अवार्ड शो में पहुंची थी, लेकिन सुंबुल इस अवार्ड शो में नहीं पहुंची है। वैसे तो सुंबुल को कई सारे अवार्ड मिले हैं, अब तक इंग्लिश शो के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड ले चुकी हैं सुंबुल, कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं सुंबुल ने, लेकिन यहाँ पर फहमान खान अपने पूरे फैमिली के साथ पहुंचे थे, यहाँ तक कि उनकी पुरानी दोस्त मेघा भी थी, लेकिन सुंबुल इस इवेंट में नज़र नहीं आई है। लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ सुंबुल को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं कि बस उन्हें सुंबुल को ही देखना था इस इवेंट में, बाकी किसी भी एक्टर्स को नहीं देखना। फिलहाल लोगों ने इन्जॉय किया है, रूपाली गांगुली, आयशा सिंह ने भी अवार्ड जीते हैं। आयशा और रूपाली गांगुली, फहमान खान से मुलाकात हुई है, फहमान ने सुंबुल को मिस किया है इस पूरे अवार्ड फंक्शन में और फैंस फहमान से भी ज़्यादा सुंबुल को मिस कर रहे हैं। वेल, आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।